झुझराई रही हती बगुपति आओ। सोई झुझरा के बोली, ए कहां थे तुम्हें खूब मालूम है कि मैं पैदल नहीं जाती हूं। बालक रो रहे हैं, रोटने के लिए बैठे और भीम ने क्या देखा, वो स्त्री जो चौखट पे खड़ी थी करो काबा ने तो पकड़ी पिया के कान पीठ पे बैठ गई। ए पकड़ी पिया के आगे ए पकड़ी पिया के कान पीठ पे बैठ गई। भैया कान पकड़े बाने पीठ पे सवार है गे? और भीम ने कहा देखो दूर से आगे अरे कान पकड़ की नारी घुमावे ए कान पकड़ की नारी घुमावे देख रहा है वही स्त्री। ऐसा तो है ही जातो परिचित महाराज, मोहल्ला पड़ोस में दो चार से बोलचाल बंद ही जाता। अगर ताऊ घर वाले से बोलचाल ना है और वो घर बचानो पड़े वही कान ने कर्रे करके एंट दे स्पीड बढ़ाए। उसके बाद भी मैंने देखा होए ना होए जे बिना पानी को लग रो है जगी और जगी पीठ पे बैठी फिर रही है। तो भीम ने आगे बढ़ के करो का अरे खेच की लात कमर पे पानी और तगड़े में डाल दई धन पानी जो करिया पे लात दई तो कान पकड़े बैठे ना फिर रही थी जो चार कदम दूर की नहीं। और भी मैंने उनको पांव पकड़ लो खेच के ले चल दो बेतगड़े में से चिल्ला के बोलिए कौन हो कान है ना तो इन्हें भी मैंने आवाज दे रहा है। और बे बोले भैया जा तरीका से पांव पकड़ के खेच रहे हो हम मरेंगे ना। भी मैंने की क्यों तुम अपने आप को जीवित समझ रहे हो? अरे तुम मरे के समान है। खेच के ले जाएगी जंगल में धरे और जो छाती में घाट उठाओ होगा सोई हाल निकल गए कान पीठ पे बैठ गई। बोलिए गोविंद भगवान की छाती में जो घोंटू तो किस्सा खत्म। मार के जंगल में धते अब भीम झाड़ी में छुप गए। जो रात होते आए छोटे छोटे सियार निकताए लहस के चारों ओर घूमे सूंगे दूर बैठ जाए सलाह करें आपस में कोई मत खई हो जाए बिना पानी को। अब भीम विचार कर रहा है तीर तो निशाने पे लग गया आदमी तो बिना पानी कोई ढुड़गो ने कछे और माले पंजा जीत कैसे हुई। अब कुछ और रात है विकले आई वृद्ध सियारो आओ बड़ी जाड़ी से निकल गए लाश के चारों ओर घूमो दूर जाके बैठ को बोले कोई मत खई हो जाए बिन पानी को जो। भीम विचार कर रहा है तो बिना पानी कोई
आदमी तो पैदा डोड़े को बिना पानी को डोड़े को, लेकिन जी माने बच जाए जीत कैसे होगी। छोटे छोटे सियार बोले वृद्ध सियार से भूख लगी है। वृद्ध सियार ने कहा तो मरेगा अकेले जा रहे हो, जाए कोई मत खा। वृद्ध सियार आश्वासन देकर के बोला सुनो अगर भूख लगी है, बोला अरे मत घबराओ मित्र हमारे, कौरव पांडव लड़ेंगे और कुरुक्षेत्र की भूमिया पे माला धन वीर करेंगे। जवाब दिया जाए कोई मत खा, बस एक से एक बड़ा योद्धा मरेगा कुरुक्षेत्र में, चाहे जितना खानो हो उतना चले खाइयो रात में, ठीक है। अब छोटे छोटे सियार बोले इतियो ने के मालूम बच जाती कौरव पांडव ने में युद्ध होएगो तो उनमें जीतेगो को। भीम विचार कर रहा है बात आ रही पते की, सो झाड़ी में से बाहर को निकल आया। वृद्ध सियार ने मना कर दिया, तुम्हें का मतलब चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, अरे तुम्हें तो पेट भरवे से मतलब है। छोटे छोटे सियार बोले तो मालूम बच जाती जीतेगा कौन, भीमसेन और झाड़ी में से बाहर गुण कर आया। सियार के ऊपर बढ़ा भुको होले से दी कई दी बात सुन पाई ना सुन पाई। जब छोटे छोटे सियार ने ज्यादा जिद करी तो वृद्ध सियार समझा करके बोला सुनो कौरव पांडवों के बीच में कौन विजेता होगा। आज वृद्ध सियार समझा करके कह रहा है बोला अरे महाभारत को युद्ध लड़ेंगे कौरव और पांडव, जवाब दिया जीत उसकी होगी जो अमावस्या वाले दिन झंडा गाड़ देगा कुरुक्षेत्र में सबसे पहले। यही मैंने जो बात सुनी चक्कर में पड़ गया, इतनी छोटी सी बात एक नेक सी बात हूं और सहदेव ने अपने मुंह से नहीं बताया। अब परमात्मा हमें तो जीव मान्य मनाए अमावस्या आज की कल लिखी है और घरे लौट के गए पूछवे के चक्कर में को अमावस्या रास्ता ही मेरा निकल जाए। अब भीम विचार कर रहा है करें तो करें कहां, और भीम ने कर्म कौन सो करो आगे। अरे सुनी जब भीम ने पानी नाए पलकी करी भैया
मेरे भैया भीमसेन बढ़ा आगे, अरे भीम आगे तो विचार करना भगवान की। भीम को ये मालूम नहीं था।